नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विदेशी बैंकों में गांधी परिवार के 2.5 लाख करोड़, सुब्रमण्यम स्वामी का दावा। राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की अपनी बात दोहराते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को दावा किया कि गांधी परिवार ने विदेशी बैंकों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जमा कर रखी है। स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल एक राजनेता से अधिक कमीशन एजेंट है। उन्होंने कहा कि अगर यह पैसा देश में ला दिया जाए तो देशवासियों को 1 साल तक आयकर देने से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस तरह की सूचना मिली है कि राहुल ने इटली और तुर्की की भी नागरिकता ले रखी है। वह इस मामले भी सबूत जुटा रहे हैं। नेपाल में 5.3 तीव्रता का भूकंप। मध्य नेपाल में गुरुवार को सुबह 10 बजे भूकंप का मामूली झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई। इस दौरान किसी प्रकार की क्षति होने की कोई सूचना नहीं है। इसका केंद्र काठमांडू के पूर्व 45 किलोमीटर दूर सिंधुपाल चौक जिले में था। इस बीच राहत एजेंसियों ने चिंता जताई है कि वे पिछले 50 दिनों से नेपाल भारत सीमा बंद रहने के कारण विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में भूकंप पीड़ितों की मदद करने में समर्थ नहीं है। आईएफ ने चीनी और नॉर्वे के बंधकों को फांसी पर लटकाया। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से कहा कि चीन और नॉर्वे के बंधकों को फांसी दे दी गई है। उसने मारे गए बंधकों का चित्र भी दिखाया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। दूसरी ओर चीन ने आईएस को चेतावनी दी है कि वह उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा जिन्होंने उसके नागरिक की हत्या की है। इंडियाना ने सीरियाई शरणार्थी परिवार के लिए दरवाजे बंद किए। अमेरिका में प्रवेश की मंजूरी दिए जाने के बावजूद सीरियाई शरणार्थियों के एक परिवार को उस समय इंडियाना से लौटा दिया गया जब वहां के गवर्नर ने उन्हें अपने राज्य में प्रवेश देने पर आपत्ति जता दी। इंडियाना के गवर्नर माइक पेंस उन 2 दर्जन राज्य के नेताओं के साथ मिल गए जिन्होंने सीरियाई लोगों को इस डर से अपने राज्य में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है कि इन लोगों में छिपकर हिंसक इस्लामी चरमपंथी घुसपैठ कर सकते हैं। इस वजह से एजेंसी ने सीरियाई परिवार को बुधवार को कनेक्टिकट भेज दिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।